हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सीक्रेट की गर्ल्स। तो आज मैं ऑब्वियसली करने वाली हूँ ब्लॉग, और वो आज के दिन में हमारे यहाँ पे प्रथमाष्टमी होता है। सबसे पहले मैं क्लियर कर देती हूँ कि प्रथमाष्टमी क्या है। ओडिशा का रिचुअल्स फेस्टिव है, और प्रथमाष्टमी ये है कि इसमें क्या रहता है कि अपने फैमिली में सबसे फर्स्ट चाइल्ड जो रहता है ना, तो वो नया कपड़ा पहनता है, तो उसको मिठाई खिलाते हैं और भी कुछ पकवान बनता है। इतना डिटेल्स में नहीं बोल सकती। तो उस क्या होता है ना, नया कपड़ा पहनता है तो उसको पूजा करते हैं और खिलाते हैं। तो ये है हम लोग का रिचुअल्स ओडिशा में। तो आज क्या है ना, मेरी जो छोटी बहन है, हमेशा आप यूट्यूब में उसको देखते रहते हो, तो उसकी बर्थडे है। उसका ब्लॉग उसके बर्थडे के नाम पर है। तो क्या रहता है आज का दिन में, मैं क्या करती हूँ और क्या प्लान है उसके लिए, सब कुछ मैं शेयर करूँगी। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं ना एक्चुअली आई थी यहाँ पे बर्तन धोने के लिए। आई थी नहीं, अभी मैं बर्तन धोऊँगी। और मैं सोच रही थी कि बर्तन धोते धोते मैं बताऊँगी कि प्लान क्या है आज का उसके लिए। तो प्लान यही है कि सबसे पहले उसके लिए तो मैं केक ऑर्डर दी हूँ, वो टीनू को बोल के, मेरा जो छोटा भाई है। फिर उसके बाद क्या है ना, मैं कल भुवनेश्वर से उसके लिए कुछ ली हूँ गिफ्ट वगैरह, और मैं वो दिखाऊंगी क्लिप इधर कि क्या ली हूँ मैं उसके लिए। और वो भी आई थिंक एक्चुअली उसको वो चाहिए थी, क्योंकि मैं जब वो चीज़ पहनती थी ना, तो वो मेरे को हमेशा बोलती थी कि ये मैं ले लूँगी। तो फाइनली उसके लिए उसी का काम का चीज़ मैं लेके आई हूँ। कल मैं बहुत मुश्किल से भुवनेश्वर से आई हूँ, पता है, क्योंकि मेरा जो दोस्त है वो, उसका भी बर्थडे था, तो उसका सेलिब्रेट करके आना, फिर बस पकड़ना। एक्चुअली मैं ट्रेन मिस कर गई, नहीं तो मैं ट्रेन में आने वाली थी। फिर मैं बस से आई, और बस छूटने ही वाला था, उसको मैं पकड़ के आई हूँ। कल लंच भी नहीं की थी, बहुत हड़बड़ी में आई हूँ, होप सो कि उसको सरप्राइज कर पाए। मेरी मम्मी सीवी के लिए खीर बनाई है। खीर मेरी बहुत पसंद है, मेरी तो फेवरेट है। मैं टेस्ट करके बताती हूँ। मम्मी बनाया, मुझे ना खीर बहुत पसंद है। जो मेरा भाई है ना, तो वो बोला था कि 3 बजे आने वाला था, लेकिन अभी तक नहीं आया। लड़के लोग हैं ना, ऐसे ही करते हैं, वो चाहे बहन हो या गर्लफ्रेंड हो, ऐसे वेट करवाते रहते हैं। छोड़ो, तो मैं खीर टेस्ट कर रही थी, बहुत ही यमी है, और मैं खीर लेके जाऊंगी सीवी के पास, क्योंकि पिछले बार बर्थडे में मम्मी उसको बोली थी कि खीर बनाई हो, लेकिन वो खुद बोली कि तो मेरे लिए अब बनाए हो तो क्यों नहीं लेके आए। तो इस बार मैं लेके जा रही हूँ वहाँ पे, और मैं यहाँ पे थोड़ा रील बना रही थी, वो मैं पोस्ट करूँगी, रील बनाई हूँ इस ड्रेस पे। सो अभी वो फ़ोन किया था कि वो लगभग आ चुका है, देखते हैं। सो फाइनली हम लोग जा रहे हैं। एक तो लेट से आया, ऊपर से इससे। अरे इधर जाम था ना, मैं क्या। हाँ, यहाँ पे हम लोग का बहुत जाम होता है, मैं समझ सकती हूँ। पर फाइनली हम लोग जा रहे हैं उसके पास, पर वो छोटी का ना बहुत सारी डिमांड है उसके लिए, ये लो वो लो। तो मार्केट अभी जाएंगे, कुछ खरीदेंगे, फिर निकलेंगे, तो वहाँ पे मिलते हैं। तो ये एक सरप्राइज रिवील कर रहे हैं कि छोटू उसके लिए, वो एक्चुअली छोटी बोली थी कि उसके बर्थडे में ये फायर गन चाहिए, पर छोटू उसको सुबह बोला है कि वो बहुत सारे जगह पे वो ढूंढा नहीं मिला, लेकिन फाइनली ये इसका सरप्राइज है और लेके जा रहे हैं। तो ये सब कुछ प्लान है, अच्छा है, गुड जॉब। इसके लिए जहाँ पे हम लोग केक ऑर्डर दिए थे, मतलब केक का फैक्ट्री है यहाँ पे, बनाते हैं भैया जानते जाने, तो वहाँ पे आए हैं, दिखाती हूँ। और ये सीवी ने खुद ऑर्डर दी थी उसके लिए, और हम लोग देख लिए एक से भी रेड कलर वाला, मेरे को चाहिए था मुझे। और ये तो एक किसी और के लिए बना रहे हैं, अभी छोटू का बाकी है, देखेंगे तेरा वाला कैसा है। मेरा यूनिक है, वो तो पता है। तो छोटू का जो केक है ना, वो थोड़ी लेट में बनेगा, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं थोड़े पानी पूरी खाने के लिए। फिर पानी पूरी खाएंगे, खाने के बाद उसका जो सामान है, बैलून्स वगैरह, वो सब चीज़ लेके जाएंगे, और फिर यहाँ आके केक लेके फिर जाएंगे गाँव। कितना सारा काम है।
कपड़ा फ्रेश करना है दी थाई साया करियो लो तो गाइस काम ही खत्म नहीं हो रहा है। अभी 5 बज चुके हैं ऑलरेडी और हम घर से 4 बजे यानी 3:45 पे निकले थे। अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब मैं जो केक ऑर्डर की थी वो हो गया था, ये सबसे पहले दिया था, इसका नहीं हुआ तो उसका लेने के लिए हम जा रहे हैं। और फिर सिवी कुछ बोली थी उसके लिए सारे सामान तो लेके जा रहे हैं। सिवी नहीं मोटी, वो मोटी बुलाता है। तो आज पता नहीं कब हम लोग लौटेंगे क्योंकि हम लोग आज प्लान है लौटने के लिए, देखते हैं क्या होता है। अभी मैं हूँ बर्गर हाउस में जो कि हम लोग का कल्चर में है और ये है हम लोग का छोटा मोटा केएफसी। तो छोटे कुछ ऑर्डर दी थी लेने के लिए तो वो सब ऑर्डर देके हम लोग गए थे शॉपिंग के लिए। तो अभी वेट कर रही हूँ, वो भैया बना चुके हैं फिलहाल, बट हम लोग का थोड़ा लेट हो गया तो वो गर्म करके देंगे। और वो टीनू छोटू गया है स्मोक लाने के लिए तो उसी का भी मैं वेट की हूँ। हम लोग की भी गलती है ना, हम लोग गए थे काम के लिए तो वो भैया गर्म कर रहे हैं। ये बेचारा फ्रस्ट्रेटेड हो गया है। हम लोग का पार्सल आ गया है मोटी के पास। दीदी ब्लॉग में तेरे को क्या क्या से क्या बना दिया है लड़का, इस लड़की को वो बोल रहा है कि तू है करके उसको मानना। मोबाइल गिरने वाला था। चलो फाइनली हम लोग निकलेंगे, फाइनली निकले हम केक शॉप के पास। हाँ इसका केक भी बाकी है। इधर देख कौन काम किया है ज्यादा, ए छोड़ हम तेरे लिए बैलून्स लाए टैग्स लाए। और तुझे पता है बर्गर हाउस कितना लेट करता है? हाँ, फिर तू पूछ रही है। किसकी बर्थडे है, किसकी बर्थडे और कौन केक लेके जा रही है? मैं खुद। ऑब्वियसली देखो 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 मेरे बर्थडे में खुद ही केक कटिंग होगा। हम लोग आने के बाद ये प्री बर्थडे केक कटिंग है और मैं खा चुकी हूं। खा लो खा लो जा लो। I look at you and it's easy to see you are the someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick up the phone, don't leave me hanging on the dial tone. Think back to the night that we met, jumping in the pool. Happy birthday, baby!
Oh.